राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट 29 अप्रैल की दोपहर विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी से मिलने उनके आवास पहुंचे। सीपी जोशी से लंबी बातचीत के बाद बाहर निकले मीडिया से बातचीत में पायलट ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया। वहीं अपने सुझावों को लेकर उन्होंने स्पीकर को अवगत कराया। राजस्थान कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा के बीच सचिन पायलट के बाद प्रभारी रंधावा ने भी स्पीकर सीपी जोशी से मुलाकात की। स्पीकर से चर्चा के बाद फेरबदल की चर्चा पर विराम लगाते हुए रंधावा ने मीडिया से कहा, हमने संगठन को लेकर स्पीकर से चर्चा की है। वहीं 25 सितंबर की घटना पर रंधावा ने कहा कि हम भविष्य की बात करते हैं, भूतकाल की नहीं। राजस्थान सरकार द्वारा संजीवनी मामले में दायर प्रार्थना पत्र हाईकोर्ट द्वारा स्वीकार करने के बाद एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। खबरों की माने इस मामले को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है। आपको बता दें, महंगाई राहत कैंप के निरीक्षण में सीएम गहलोत गए थे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में शेखावत को आड़े हाथ हो लिया। गहलोत ने कहा, शेखावत जैसे भ्रष्ट मंत्री को पीएम मोदी जल्द से जल्द बर्खास्त करें। रामेश्वर सिंह डूडी और कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल के बीच की सियासी अदावत पूरे राजस्थान में जगजाहिर है। डूंगरपुर घटना के बाद दोनों के बीच तल्खी और ज्यादा बढ़ गई, लेकिन आज गोविंद सिंह डोटासरा की उपस्थिति में दोनों ने पुराने विवाद को सुलझाने का काम किया। आपको बता दें, पीसीसी चीफ डोटासरा ने चौपर में दोनों के बीच सुलह कराई और डूडी ने मेघवाल का मुंह मीठा कर आपसी मतभेद सुलझाए। बीकानेर के धीरदेसर चोटिया गांव पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहीद राकेश चोटिया की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल, एग्रो बोर्ड के चेयरमैन रामेश्वर डूडी, प्रधान प्रतिनिधि केशराम गोदारा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। वहीं अपने संबोधन में सीएम ने कहा, 25 साल पहले किसी भी शहीद के लिए या उनके परिवार के लिए कोई पैकेज नहीं था, लेकिन राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां शहीद परिवारों के लिए पैकेज घोषित किए गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने 29 अप्रैल को श्रीनाथ जी और चार भुजानाथ जी के दर्शन किए। वहीं दर्शन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष जोशी ने क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। इसके अलावा मीडिया से बातचीत में राजस्थान सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को लेकर जमकर निशाना साधा। नागौर जिले के मकराना में जिला पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। खबरों की माने तो होटल संचालकों को पिस्तौल दिखाकर धमकाने, मारपीट करने और रंगदारी मांगने के प्रकरण में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपियों के विरुद्ध हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट में मामले दर्ज किए गए हैं। रावतसर पुलिस और जिला डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 क्विंटल 80 किलो डोडा और 1 पिस्तौल और कारतूस बरामद किया है। थाना प्रभारी अरुण चौधरी ने बताया, आरोपी राम प्रताप उर्फ प्रताप भूकर बीकानेर रेंज के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में इनामी अपराधी है। वहीं पुलिस ने आरोपियों से एक बिना नंबरी कार भी जब्त की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 5 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 4 दिन से चली आ रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 29 अप्रैल को समाप्त हो गई है। सचिवालय में LSG सचिव जोगाराम और अन्य अधिकारियों से हुई वार्ता के बाद संयुक्त वाल्मीकि एवं श्रमिक संघ ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। वहीं हड़ताल से फैली हुई गंदगी को साफ करने के लिए कर्मचारियों ने सुबह से ही मोर्चा संभाल लिया है, जिसके कारण स्थानीय लोग अब राहत महसूस करने लगे हैं।